गाइस ये है मुंबई मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट तक आप कोई टैक्सी या ऑटो करके आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। आ गए हैं अपन लोग एयरपोर्ट, ये देख लीजिए यहाँ से भी। और अभी चलते हैं अंदर, अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं भाई भोपाल से। लिफ्ट आ रही है अभी अपनी, और फ्लाइट पे ये आ गई लिफ्ट। ये देख लो भाई 10th फ्लोर पे आ गए हैं, और 10th फ्लोर पे अभी हम लोग चल रहे हैं डिपार्चर देखने। और डिपार्चर का है अपना, और देख के बताता हूँ आपको। सो गाइस यहाँ एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म जैसे ही है, और यहाँ ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो प्लेटफॉर्म जैसे हैं। तो 3 और 4 एयर इंडिया का है, तो मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया से है। और बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग कंपनीज़ के हैं, तो वो आप ऊपर साइड बोर्ड के ऊपर ही लिखा रहता है साइड में, तो आपका कन्फ्यूज़न वहाँ से दूर हो जाएगा। तो गाइस अभी मैंने P10 पे से अपना बोर्डिंग पास ले लिया है, और बोर्डिंग पास लेने के बाद में मुझे 1 फ्लोर वापस से नीचे आना पड़ा डोमेस्टिक डिपार्चर में। आप पूछ लेंगे डोमेस्टिक डिपार्चर तो कोई भी बता देगा, वहाँ से नीचे आ जाएंगे 1 फ्लोर, तो आपकी वापस से चेक इन होगी। चेक इन होने के बाद में फिर आप आगे जा सकते हैं। और ये एयरपोर्ट का व्यू भी है, आप देख सकते हैं पीछे ये। और सो गाइस अभी मैं वहाँ से बैग चेक करवा के और निकल के आया हूँ। अब मुझे जाना है गेट नंबर 42 पे, जो मेरे बोर्डिंग के ऊपर लिखा है, इधर दिख रहा होगा आपको 42B। तो अभी मैं जा रहा हूँ 42B पे। ओ गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जो टाइम बोलते हैं कि भाई 2 घंटे पहले आपको आना है, तो वो यूँ ही नहीं बोलते यार। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो 2 घंटे पहले ही आना, नहीं तो मैं 2 घंटे पहले ही आया हूँ। बाकी भोपाल में 15-20 मिनट पहले भी गया था तो चल गया था, लेकिन ये एयरपोर्ट मैंने देखा नहीं था, तो भाई 2 घंटे पहले ही आया था। और अभी भी मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया है, अभी भी मैं पहुँचा नहीं हूँ गेट नंबर 42B तक। जा रहा हूँ अभी, दिख रहा है आपको। और वो आपको उस साइड में वो शटर जैसा दिख रहा होगा, तो वहाँ पर जो है फ्लाइट से जब लैंड होती हैं तो आपको वहीं पर उतारते हैं, वहाँ से डायरेक्ट आप बाहर निकल सकते हैं। ये है भाई एयरपोर्ट के अंदर का व्यू। मैं बैठा हूँ गेट नंबर 42B के पास, क्योंकि यहीं से मेरी फ्लाइट है। मेरा पूरा व्यू shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy if I got some। So अभी boarding से गेट नंबर 42 से फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। So गाइस अभी अपन लोग बैठ चुके हैं फ्लाइट में, और अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और अभी टाइम हुआ है भाई 7:40, और हम लोग भोपाल पहुँचेंगे 9 बजे। 1 घंटा 20 मिनट मुंबई टू भोपाल का टाइमिंग लगता है, और आपको दिखाता हूँ। और अपने को विंडो सीट मिल गई है। विंडो सीट अपने पास थी नहीं, अपन ने रिक्वेस्ट की तो एक विंडो सीट खाली की, और अपने को विंडो सीट मिल चुकी है। They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. So guys, लगभग 30 मिनट्स के बाद जो है खाना यहाँ पे आया है। साथ से वेज बिरयानी है, मिठाई में है कुछ मीठे में, इधर सैलेड है। place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't get. So guys, हम लोग आ चुके हैं भोपाल एयरपोर्ट और अब मैं एक्सिट कर रहा हूँ यहाँ से। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।